Good morning, friends. A warm welcome to all of you in our new session of Digital Gurukul. नमस्कार दोस्तों, Digital Gurukul में मैं श्रीकांत आप लोग सबका स्वागत करता हूँ. तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जो आप लोग के आने वाले एग्जाम है, पंचायत सचिव हो, चाहे निम्न वर्गीय लिपिक हो, चाहे कोषागार लिपिक हो, वाणिज्य कर लिपिक हो, या जिसके भी आप लोग एग्जाम दे रहे हैं, उसके एग्जाम्स के पैटर्न के बारे में, आपको होने वाले तमाम डाउट्स के बारे में. बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट किया कि मेरे को डाउट है, पर मैं कमेंट बॉक्स में हर एक को इंडिविजुअली डाउट क्लियर करने से मैं सोचा एक वीडियो में आप लोग के सारे डाउट्स को मैं क्लियर कर दूं. और सबसे बड़ी बात है, आज हम लोग बात करेंगे हिंदी भाषा ज्ञान के बारे में और हिंदी के सिलेबस के बारे में. सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, आपके सारे कमेंट्स जितने हैं, आपके डाउट्स हैं, उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे. चाहे वो एग्जाम पैटर्न के बारे में हो, एग्जाम किस तरह से होगा उसके बारे में हो, टाइपिंग के तरह डाउट हो, एग्जाम के डेट के बारे में हो, चाहे कुछ भी डाउट हो, किस तरह का पेपर होगा, किस तरह के पूछे जाएंगे, क्वालिफाइंग करना होगा कि नहीं, पेपर वन में क्या क्वालिफाई करना है नहीं करना है, पेपर टू में क्वालिफाई करना है नहीं करना है, कंप्यूटर नॉलेज में क्या पढ़ना है, टाइपिंग टेस्ट होगा या नहीं होगा, सारे क्वेश्चंस के जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा. आप लोगों के डाउट जितने भी थे कमेंट्स में मैंने पढ़ा और उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा दोस्तों. तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का विषय. तो चलिए दोस्तों, एक एक करके मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करता हूँ. इसके बाद हम लोग बात करेंगे हिंदी के सिलेबस के बारे में. बाकी भी सिलेबस मैं अपलोड कर दूंगा. आज मैं हिंदी के सिलेबस के बारे में थोड़ा डिटेल बात करूंगा और बाकी जो आपके डाउट्स है वो क्लियर करने की कोशिश करूंगा. तो सबसे पहले बच्चों का डाउट है अभी भी कि एग्जाम डेट के बारे में. अगर एग्जाम डेट आपका क्लियर नहीं होगा तो आप लोग सही से प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है. तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले आमीन की और जो रेवेन्यू जो ऑफिसर था उसके पोस्ट के बारे में बात करते हैं. उसके एग्जाम डेट का जो नोटिफिकेशन आया अभी तक के इन्फॉर्मेशन के अनुसार से, जो एग्जाम आपका होगा वो 8 तारीख को होगा. बार बार बता दे रहा हूँ, बहुत बच्चे 8 तारीख बोलने के बाद भी बोले सर कब 10 तारीख को होगा, नेक्स्ट मंथ होगा, कब होगा, बहुत परेशान है. 8/10/2017 को जो होगा आपका एग्जाम होगा, ठीक है. अभी तक के डेट के अनुसार ये फिक्स्ड मानी है, ये चेंज होने की संभावना कम है. बहुत बच्चे मेरे को पूछ रहे हैं चेंज होने का संभावना है क्या, तो इसके चेंज होने की संभावना बहुत कम है. आप लोग इसी के अनुसार से अपना प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है. आमीन और रेवेन्यू का जो एग्जाम होगा वो 8/10/2017 को होगा, ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट जो है पंचायत सचिव की बात करते हैं. पंचायत सचिव के लिए जो नोटिफिकेशन आया है उसका नोटिफिकेशन के अनुसार जो एग्जाम होगा वो जनवरी फरवरी में कभी भी हो सकता है, या तो जनवरी भी हो सकता है या फरवरी भी हो सकता है. कब? जनवरी फरवरी 2018 की बात की जा रही है, ठीक है. ये अभी तक के नोटिफिकेशन के अनुसार, आगे कोई चेंजेस होगा, कोई नया नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आप लोगों को जरूर इन्फॉर्म करूंगा. ये पंचायत सचिव का है, ठीक है. जनवरी फरवरी 2018 को एग्जाम होगा और आमीन के लिए 8/10/2017 को एग्जाम होगा, क्लियर है. सेकेंड जो थिंग है, बच्चे अभी भी कंफ्यूज्ड है, वो पूछ रहे हैं कि सर प्री का एग्जाम होगा मेंस का एग्जाम. दोनों ही एग्जाम जो होंगे, किसी के भी प्री एग्जाम्स नहीं होंगे, आपको दोनों ही में डायरेक्ट जो है मेंस का प्रिपरेशन करना है, ठीक है. यहाँ क्लियर है, दोनों ही में आप लोगों को डायरेक्ट जो है मेंस का प्रिपरेशन करना है, कोई प्री का पढ़ाई आप लोगों को नहीं करना है, दोनों में ही. ये तो पंचायत सचिव की ही बात भी है और जो है रेवेन्यू और आमीन की दोनों की बात की जा रही है इसमें, ठीक है. दोनों में डायरेक्ट आप लोगों को मेंस का एग्जाम देना है. यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों. तीसरी बात जो है, एग्जाम बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर एग्जाम ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन. दोनों में ही अभी तक के नोटिफिकेशन के अनुसार मैं बता रहा हूँ, अगर कोई चेंजेस होता है मैं जरूर आप लोगों को बताऊँ. दोनों में ही अभी तक के नोटिफिकेशन के अनुसार एग्जाम जो होगा वो होगा सीबीटी टेस्ट होगा दोनों में, ठीक है. सीबीटी टेस्ट अर्थात कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, अर्थात ऑनलाइन टेस्ट होगा. अगर आप लोगों को सीबीटी टेस्ट के बारे में कोई डाउट है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है कि सीबीटी टेस्ट कैसा होता है, कैसे दिया जाता है, क्या क्या है, जो पहली बार दे रहे हैं उनके बारे में. जिन्होंने ऑलरेडी एग्जाम दिया है उनको तो पता होगा, जिन्होंने नहीं दिया है उनके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और देख सकते हैं, ठीक है. ये सीबीटी टेस्ट के बारे में है, ठीक है, कि सारे एग्जाम्स या तो पंचायत सचिव के हो या तो आमीन या रेवेन्यू को, सारे एग्जाम्स ऑनलाइन होंगे और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, कोई ऑफलाइन एग्जाम नहीं होगा, ठीक है, डायरेक्ट मेंस एग्जाम देना है. चौथा जो था, टेंशन है बच्चों को कि सर कितने दिनों का एग्जाम होगा. अभी तक के अनुसार से आप लोग मानिए कि सारे एग्जाम्स जो होंगे एक ही दिन होंगे, मतलब पेपर वन, पेपर टू, पेपर थ्री जो है एक ही दिन होंगे अभी तक के अनुसार. अगर आगे कोई चेंजेस आता है मैं इन्फॉर्म करूंगा, ठीक है. आप लोग अभी तक इसी को मानकर तैयारी कीजिए कि सारे टेस्ट जो होंगे वो एक ही दिन किए जाएंगे, एक ही पाली में. चाहे हो सकता है कि 2 आवर्स का लिखा हुआ है कि ईच एग्जाम्स कैरीड इन 2 आवर्स, मतलब पेपर वन 2 घंटे का, पेपर टू 2 घंटे का और पेपर थ्री 3 घंटे का, मतलब अभी तक के अनुसार से है. पर टोटल 6 घंटा एक दिन में कैसे एग्जाम होगा ये भी एक डाउट की बात है. पर ये उनका टेंशन है, वो कैसे करेंगे, हो सकता है कि ये टाइम कम कर दे, नंबर ऑफ क्वेश्चन कम कर दे, या कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है. आप लोग पर अभी तक तैयारी कीजिए कि जो इस पे ज़्यादा चेंजेस होने से आप लोग तैयारी पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. पर आप लोग मान के चलिए कि एक ही दिन सारा एग्जाम होगा, ऐसे में आप लोग तैयारी कीजिए, ये इसका चेंजेस कुछ हो सकता है, ठीक है. ये चौथा चीज़ हुआ. पांचवा चीज़ बच्चों का कन्फ्यूजन है कि मार्किंग पैटर्न कैसा होगा, ठीक है. मार्किंग पैटर्न की अगर बात करें तो मार्किंग पैटर्न जो होगा दोस्तों, वो एक सही करने पे आप लोगों को 3 मार्क्स मिलेंगे,
एक गलत करने पे माइनस वन होंगे, मतलब वन बाई थर्ड मार्किंग पैटर्न होगा। ठीक है, बार बार याद रखिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर है? सही करने पे 3 मार्क्स, गलत करने पे 1 मार्क्स की कटौती होगी, मतलब 1/3 आप लोग मान लिए मार्किंग पैटर्न है। तो बहुत सावधानी से आप लोग कीजिएगा, क्योंकि एक नंबर आप लोग कट जाने का मतलब है, आप लोग सोच सकते हैं, आप लोग को लगता है कुछ नहीं है, पर ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करते हैं, चलिए एग्जाम के पैटर्न के बारे में, कि एग्जाम के कैसे पैटर्न होंगे, क्या होंगे, क्या नहीं होंगे। टोटल जो मेंस एग्जाम में होंगे आपके 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। ठीक है, 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। ठीक है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 में क्या होगा वो मैं आगे आपको बताऊंगा, पर एक चीज मैं क्लियर कर दूं, पेपर 1 में जो होंगे, ठीक है, इसमें हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसको 2 पार्ट में डिवाइड रहेगा, मैं दिखाता हूं आप लोगों को। दोस्तों ऐसे आप लोग देख पा रहे हैं, ये है पेपर 1। ठीक है, मुख्य परीक्षा 3 पेपर होंगे, जिसमें पेपर 1 की बात की जा रही है, उसमें हिंदी के जो एग्जाम होंगे उसमें 60 क्वेश्चन होंगे, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, 60 को 20 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके जो होंगे वो पैसेज से होंगे, अनसीन पैसेज होंगे, इसे अनुच्छेद कहते हैं हिंदी में, और रिमेनिंग जो 40 क्वेश्चन होंगे उसमें आपको ग्रामर से पूछे जाएंगे, हिंदी ग्रामर से। उसमें हिंदी ग्रामर में क्या पढ़ना है मैं बताता हूँ आप लोग, आगे बताऊंगा। इंग्लिश में भी सिमिलर होगा, ठीक है, टोटल 60 क्वेश्चन होंगे आपको। ठीक है, 60 क्वेश्चन में ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा, 40 क्वेश्चन फॉर पैसेज अनसीन पैसेज, और रिमेनिंग दैट्स 20 क्वेश्चन फॉर अनसीन पैसेज एंड रिमेनिंग 40 क्वेश्चन फॉर इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो आप लोग देख सकते हैं कि ग्रामर कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पेपर 1 का। पेपर 1 में एक और टर्म्स कंडीशन है, बहुत जानना आप लोगों को जरूरी है, कि पेपर 1 के जो ये टोटल 120 क्वेश्चन होंगे पेपर 1 में, ये 120 क्वेश्चन जो होंगे टोटल पेपर 1 के, इसमें मिनिमम 30 मार्क्स आपको लाना जरूरी है। ठीक है, ये 30 मार्क्स टोटल का होगा, बात याद रखिए। ठीक है, ये बाद में चेंज किया जा सकता है, पर अभी तक के नोटिफिकेशन मतलब 30% ऑफ 120 क्वेश्चन, मतलब टोटल आप लोग मान लीजिए कि 36 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, मतलब ये मान लीजिए N2-3 कीजिए, मतलब 360 मार्क्स हैं। इसका मतलब कि 180 का 30% कीजिए, मतलब 54 नंबर आपको इस पे लाना जरूरी है, इसमें भी आपको 54 नंबर लाना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, मतलब 54 नंबर इस पे, 54 इस पे, या तो टोटल 54 + 54 कितना होगा, 108 नंबर अप्रोक्सीमेटली होगा शायद, 108 नंबर टोटल आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी तक इंडिविजुअली मानिए कि इसमें आपको क्वालिफाइंग करने के लिए इसका 30% हिंदी का और 30% इंग्लिश का, ये एक्चुअली जरूरी है क्वालिफाई करना। अगर आप क्वालिफाई नहीं करते तो आपको बाकी जो पेपर 2 और पेपर 3 वो चेक नहीं होगा, बार बार ध्यान रखिए दोस्तों। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। पर एक और चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि इसके जो मार्क्स होंगे वो ऐड आपके नहीं होंगे, टोटल जो आपका कट ऑफ होगा वो उसके मार्क्स पेपर 1 के ऐड नहीं होंगे। मार्क ऐड किसके होंगे, पेपर 2 और पेपर 3 के। पेपर 2 में आपको क्या देना है आपको पता है, पेपर 2 में आपको जो होगा टोटल 100 क्वेश्चन होंगे टोटल। ठीक है, उस पर आपको जो लैंग्वेज आपने चूज किया, चाहे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, मुंडारी, मुंडा, खो, कुड़ुक, जो भी है आप लोगों ने चूज किया, उसके पेपर्स देने हैं। और पेपर 3 में तो आपको पता है कि सामान्य अध्ययन, झारखंड राज्य संबंधित ज्ञान, कंप्यूटर का ज्ञान और हिंदी टंकन का, टोटल जो है 120 क्वेश्चन इसमें होंगे और 100 क्वेश्चन इसमें होंगे। आपका जो फाइनल कट ऑफ जो होगा वो होगा पेपर 2 + पेपर 3 के मार्क्स जो होंगे ऐड होंगे। पेपर 1 में अगर आप क्वालिफाई कीजिएगा तभी पेपर 2 और पेपर 3 के मार्क्स ऐड होंगे, ये ध्यान देने वाली बात है। तो चलिए आगे सिलेबस देखते हैं, मैं आप लोगों को तो जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को अपलोड कर दिया है कि डिफरेंस क्या होगा सिलेबस में, मेन सिलेबस में पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 3 ओनली डिफरेंस होगा आपका जो वाणिज्य कर के लिए और आमीन और बाकी पंचायत सेक्रेटरीट का ये सिलेबस है, और आमीन का जो होगा सिर्फ पेपर 3 का कुछ डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। ठीक है, आप लोगों को कल मैंने जैसे वीडियो अपलोड किया था उसमें आप लोग देख सकते हैं,
बाकी मैं हिंदी का डिटेल सिलेबस आप लोग को दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा कि पेपर वन क्वालिफाइंग है, पेपर टू और पेपर थ्री जो है उसके मार्क्स आपको जो होंगे टोटल कटअप के लिए ये मार्क्स ऐड होंगे, पर पेपर वन क्वालिफाई कीजिएगा तभी आपके पेपर टू और पेपर थ्री के मार्क्स जो होंगे वो एवेलुएट होंगे। उसके लिए मिनिमम 30% मार्क्स लाना जरूरी है, 60% जो होंगे वो पेपर हिंदी के आएंगे और 60% आएंगे अंग्रेजी के, ठीक है। हाँ दोस्तों, जैसे आप लोग हिंदी का सिलेबस देख पा रहे हैं इसमें ये आपका टोटल हिंदी का सिलेबस है, ठीक है। हिंदी में आपको सबसे पहले जो पढ़ना है आरोह भाग दो पढ़ना है आपको, उसमें काव्यखंड पढ़ना है, ठीक है। उसमें आत्म परिचय, ठीक है, जो आएगा जो पोएम है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित जो है वो आपको पढ़ना है। इसमें आपको हरिवंश राय बच्चन की जीवनी भी पढ़नी है, वो उसने कौन कौन से बुक लिखे ये भी आपको पढ़ना है, वो थोड़ी डिटेल पढ़नी है। साथ में जो है आत्म परिचय जो पोएम वो डिटेल आपको पढ़ना है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है वीडियो, आप लोग देख सकते हैं। बाद में पतंग पढ़ना है, आलोक धनवा द्वारा रचित आपको बुक पढ़ना है, पतंग का जो पोएम है वो पढ़ना है। और जो पोएम पढ़ना है वो जो कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता के बहाने और बात सीधी थी, ये दो पोएम्स पढ़ना है कुंवर नारायण के। और रघुवीर सहाय का आपको पढ़ना है कैमरे में बंद अपाहिज, मैंने ये भी अपलोड किया है, सारे आप लोग देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में, मैंने सारे डिटेल से आप लोगों को बताने की कोशिश की है सारे पोएम्स के समरी और क्वेश्चंस भी। बाकी गजानंद माधव जो मुक्तिबोध है उनका जो सहर्ष स्वीकार है वो आपको पढ़ना है, और जो उषा पढ़ना है जो समरेश बहादुर सिंह द्वारा रचित उषा है वो आपको पढ़ना है, और निराला द्वारा जो रचित है बादल राग वो भी आपको पढ़ना है, साथ में तुलसीदास द्वारा रचित जो कवितावली है वो पढ़ना है, तथा फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित रुइया गजल पढ़ना है, और छोटा मेरा खत और बगुला के पंख पढ़ना है उमाशंकर जोशी द्वारा रचित, ठीक है। ये आपके जो है काव्यखंड होंगे। तो ये जो काव्यखंड है इसके लिए आप लोग जो है क्लास 11 12 के जो है आप जो बुक होंगे CBSE की बुक्स जो है क्लास 11 12 की वो आप लोग प्रिफर कर सकते हैं, या तो NCERT बुक में आपको मिल जाएगा, क्लास 11 12 के NCERT बुक में सारे ये सब पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं जो गद्य खंड है वो जो है जो भक्तिगण पढ़ना है, जो माँ सविता देवी द्वारा रचित है, तो गद्य खंड है भक्तिन जो महाश्वेता देवी द्वारा रचित है वो पढ़ना है। बाकी आप लोग डिटेल देख लीजिए, जो बाजार दर्शन है जो जैनेन्द्र कुमार की वो पढ़ना है, बाकी धर्मवीर भारती के काले मेघा पानी दे ये पढ़ना है, बाकी ये डिटेल है, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा गद्यखंड पढ़ना है, बाकी पुस्तक वितान दो पढ़ना है, ये आपका सिल्वर वेडिंग पढ़नी है, जूझ पढ़ना है, अतीत के दबे पांव पढ़ने हैं, और डायरी के पन्ने, ये आपके हो जाएगा वितान भाग। ये सारे आप लोगों को बोलिए मिल जाएगा क्लास 11th 12th की NCERT की आप लोग हिंदी के बुक ले लीजिएगा, उसमें सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएगी। बाकी आपको पढ़ना है जनसंचार माध्यम पढ़ना है, रिपोर्ट कैसे लिखना है वो पढ़ना है आपको, ठीक है, आलेख लिखना है, ठीक है, फीचर लेखन कार्य जो कार्यालय पत्र टिप्पणी मतलब पत्र कैसे लिखे जाते हैं सारी चीज़ें आपको आ सकती है, बाकी समाचार पढ़ना है, ठीक है, और संपादकीय कैसे लिखना है ये सारी चीज़ें आपके नॉलेज आपके होना चाहिए। और व्याकरण में मेन थिंग जो है वो आपको पढ़ना है संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण कारक समास मुहावरे निबंध लेखन पत्र लेखन विशेष लेखन ये आपको करना है व्याकरण में, ठीक है। और व्याकरण के मैंने बहुत सारे अपलोड कर दिए हैं वीडियो, बाकी भी चीज़ मैं कवर कर दूंगा, और आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए दोस्तों। ये टोटल आपको हिंदी का सिलेबस है, डिटेल सिलेबस आप है वो आप लोगों को पता होगा, आप लोग पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं, मैं एक बार और रिमाइंड कर दे रहा हूँ आप लोगों को हिंदी में क्या क्या पढ़ना है, ये सारे बुक्स भी मैंने बता दिए। और डिटेल आना है तो सफल पब्लिकेशन की बुक आती है वो भी आप लोग ले सकते हैं, GSSC की कुछ थोड़ी बहुत गलतियाँ हैं बाकी ठीक है, बाकी आप NCERT की बुक जो है क्लास 11 12 के वो उसके बेसिस पे सिलेबस बनाया गया उसको आप लोग फॉलो कीजिए, और कोई भी क्लास 12 बेसिस के आप हिंदी के ग्रामर ले लीजिए, बाकी मैं वीडियो तो अपलोड कर ही दूंगा, ठीक है, बाकी चीज़ें ठीक है दोस्तों। ये हिंदी के सिलेबस है, बाकी सिलेबस भी मैं आप लोग जल्दी अपलोड कर दूंगा। आई होप दोस्तों आपको पसंद आया होगा, मैं जल्दी ही बाकी सारे सिलेबस कवर करने की कोशिश करूंगा, मैंने बहुत सारी वीडियो आप लोगों के लिए डाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद जय भारत।